हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर वीडियोस देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को यूरिक एसिड के बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर आप लोगों को यूरिक एसिड है तो वो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा और नहीं है तो कभी भी नहीं होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही उन चार चीज़ों के नाम भी बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज़, इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया जाएगा और आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि जिन लोगों को हाल ही में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हुई है उनको क्या इस्तेमाल करना है, और जिनको लंबे समय से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उन लोगों को इसका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको उस साधारण सी चीज़ का नाम बताऊंगी जिसका प्रयोग करके आप अपनी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, और वो चीज़ आपकी किचन में ही मिल जाएगी आप लोगों को। साथ ही इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए या कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो उसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे पचाता है, और पचाने के बाद हमारे शरीर से काफ़ी सारे पोषक तत्व और टॉक्सिन्स बनाता है, जिसमें से एक टॉक्सिन है यूरिक एसिड। जब किडनी सही से काम नहीं करती है तब यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, और जब शरीर में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब शरीर इसे बाहर नहीं निकाल पाता है। इसका असर ये होता है कि जो हड्डियों के बीच में गैप होता है या जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में यूरिक एसिड जमा होने लगता है, और जब जमा हो जाता है तब उसमें दर्द होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है और लालपन आ जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चुभन भी होती है, सूजन भी दिखाई देने लगती है। ये नुस्खा आप लोगों के बहुत काम आने वाला है और आप लोगों का जो यूरिक एसिड है वो 15 ही दिन में 100% नॉर्मल हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ 5 से 7 मिनट की ज़रूर होगी, लेकिन जब तक आप इसे पूरा नहीं देखेंगे तब तक इससे जुड़ी सारी बातों का आपको पता नहीं लगेगा। साथ ही उन लोगों के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है जिनका जो शरीर है वो डिटॉक्स नहीं हो पाता है, जो शरीर में गंध है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है, रोज़ के काम करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कैसे अपनाना है ये फॉर्मूला। पहले मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ जिनको अभी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हुई है 15 दिन पहले। तो आपको क्या लेनी है, ये अजवाइन लेनी है। अजवाइन यूरिक एसिड को बहुत ही जल्दी नॉर्मल कर देती है। क्यों? क्योंकि अजवाइन में थर्मोल नाम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अगर शरीर में एसिड बढ़ रहा है तो उसकी मात्रा को नॉर्मल करती है। अब इसे लेना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको जब भी आप खाना खाएं, सुबह, दोपहर या रात को, तब आपको सिर्फ इतनी सी 2 चुटकी अजवाइन लेनी है और इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिला लेना है, या आप काला नमक भी मिला सकते हैं, काला नमक ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर खाना खाने के तुरंत बाद इसको खा लीजिए। इसे ना तो भूनना है और ना ही पानी के साथ खाना है। अगर पानी के साथ खाएं तो गुनगुने पानी ले सकते हैं, और इसके प्रयोग से शरीर में बनने वाले क्रिस्टल को ये घुलाकर शरीर से बाहर निकाल देगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको आपको रोज 3 टाइम ऐसे ही लेना है जैसे मैंने आपको बताया है। अब ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को काफ़ी लंबे समय से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 ग्लास पानी लेना है और उसमें 2 चुटकी अजवाइन डाल लेनी है। इससे ज़्यादा अजवाइन आप लोगों को नहीं लेनी है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कि यूरिक एसिड को नॉर्मल करती हैं, तो आपको अजवाइन का यूज़ करना है लेकिन कम मात्रा में। तो आपको 2 चुटकी अजवाइन ले लेनी है और वो पानी में डाल लेनी है, और आप लोगों को 1/2 चम्मच ये हरी सौंफ लेनी है और इसको भी उसी पानी में डाल देना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी अदरक लेनी है और वो क्रश करके इसमें भिगो देनी है पूरी रात के लिए, और सुबह उठकर खाली पेट शौच जाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाएगी।
अब हम लोग बात करने वाले हैं उन चार चीज़ों की जिनका आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली चीज़ है ठंडा पानी। ठंडा पानी पीने से क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपको गुनगुना पानी पीने से जो क्रिस्टल हमारी हड्डियों के बीच में जमा हो गए हैं वो आसानी से बाहर निकल जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अचार, आंबी का अचार और खट्टी चीज़ें। आप लोगों को नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नॉनवेज में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। अब ये बढ़ता क्यों है? यूरिक एसिड बढ़ने का एक कारण ये है क्योंकि हमारे शरीर में हम प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं, दालें ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड के पेशेंट को दालें नहीं खानी चाहिए, नट्स नहीं खाने चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इससे भी यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल है तो इसे और लोगों के साथ कीजिएगा शेयर, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।